गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज बीड आईक्यू के मदद से आप अच्छे अच्छे टॉपिक फाइंड कर सकते हैं और गाइज टैग भी ट्रेंडिंग टैग आप फाइंड कर सकते हैं कि उस टैग पर आपके वीडियो वायरल होंगे कि नहीं होंगे, कितना सर्चेबल कंटेंट है उस टैग पर आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले बीड आईक्यू को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो बीड आईक्यू को ओपन होने के बाद गाइज आपको यहाँ डेली ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं डेली ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको इजीली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज ये 24 आवर्स के बाद आपको डेली टॉपिक फाइंड करता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रीन पर कि व्यू प्रेडिक्शन वेरी हाई है, इस पर शॉर्ट वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है। देख सकते हैं कि आज का टकला नहीं होना है, यह शॉर्ट वीडियो पूरा देख लें। अगर इससे रिलेटेड इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसको सेव भी कर सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर इसको डिसमिस करना चाहते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो आप नहीं बनाना चाहते हो या आपको इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक पे, तो डिसमिस भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए गाइज हम इसको यहाँ से डिसमिस भी कर देते हैं, इस पर हमको वीडियो नहीं बनाना पाए। और ये दूसरा दे रहा है गाइज स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको तीन टॉपिक यहाँ से देगा कि YT स्टूडियो में लिंक डालते ही रातों रात बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, इस टॉपिक को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। इस टॉपिक पर कंपटीशन थोड़ा कम है, मीडियम में है, उस पर ज़्यादा हाई था। देखिए यूट्यूब पर कब क्या मिलता है, सब्सक्राइबर से क्या क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को भी आप वीडियो पकड़ कर बना सकते हैं। ये टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टेड है तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सेव करके रखेंगे तब तक ये पता चलेगा कि क्या क्या हम टॉपिक सेव किए हैं, उससे रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हो। जस्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आएंगे तो यहाँ देखिए अभी हमने जो YT स्टूडियो वाला लिंक और यूट्यूब पर कब क्या मिलता है हमने सेव किया था, ये दोनों दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से सेव कर आप वीडियो को बना सकते हो, टॉपिक फाइंड कर सकते हो। दूसरा, टैग कैसे फाइंड करते हैं। टैग के लिए रिसर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको तीसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करना है, अब आपको यहाँ क्लिक कर लेना है कि YouTube पर चैनल कैसे बनाते हैं। कोई टॉपिक आप सर्च कर लीजिए, YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। ठीक है, ये आ गया, आने को जस्ट इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाता है, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको 100 में पूरा स्कोर कितना है इसका। इस टैग पर ये टैग डालोगे, इस पर 52 आपको नंबर मिले हैं इस टैग पर। इसका वॉल्यूम कितना है, 81 है, ग्रीन है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और इसका कंपटीशन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, वेरी हाई है कंपटीशन, इस पर बहुत ज़्यादा हाई है गाइज। आप नीचे इस तरह से स्क्रॉल कर और देख सकते हैं, नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे ओवरऑल स्कोर दिखा रहा है। सर्च वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ, तो सर्च वॉल्यूम आप इस पर देख सकते हैं, सर्च वॉल्यूम इस पर 1292 है, यूट्यूब चैनल पर इतना है, क्रिएट यूट्यूब चैनल पर इतना लोग सर्च कर रहे हैं, ये सर्च वॉल्यूम है। इससे क्या पता चलता है गाइज, आपके चैनल पर सर्च वॉल्यूम है कि सर्च वॉल्यूम कैसे पता करें, इतने लोग ये सर्च कर रहे हैं यूट्यूब चैनल, इतने लोग सर्च कर रहे हैं ज्ञान ट्यूब, इतने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये मालूम चलता है। उसके बाद गाइज जस्ट आप इसको कंपटीशन कैसे है, ये सारा चीज़ आप इस तरह से टैग को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो कंपटीशन भी पता चल जाएगा कि इस टैग पर कंपटीशन कितना है। तो आपको यहाँ दिखा रहा है, देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पर वेरी हाई है और क्रिएट यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों। ठीक है, अलग अलग टैग इस तरह से डालकर आप फाइंड कर सकते हैं किस पर टैग हाई है, किस पर कम है, इस तरह से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉपी करके टैग को अपने YouTube वीडियो पर जाकर टैग में डाल सकते हैं गाइज। तो इस तरह से यहाँ रिलेटेड कीवर्ड करेंगे तो इससे रिलेटेड कीवर्ड आ जाएगा, और ट्रेंडिंग वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग वीडियो भी आ जाएगा, जब इसका आप बीड आईक्यू प्रो का लिए रहेंगे तब गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।